Rahim, my dear students, I am Shahzad Wahid, and uh, addressing you from the platform of Punjab Group of Colleges, and we want to discuss structure of chlorophyll now. So let's move to the whiteboard. Yes, my dear students, I am here for the description of what structure of chlorophyll molecule. And but before starting the structure of chlorophyll molecule, we must understand uh, what are basic chlorophylls, and you know very well chlorophyll is an

सेल्स राइट right? अगली बात क्या स्टूडेंट्स कि ये जो मेरे पास आ, क्लोरोफिल है इसकी चार टाइप्स कौन कौन सी क्लोरोफिल ए बी सी और डी जो किस में पाई जाती हैं? यू पे पाई जाती है वेरियस टाइप्स ऑफ

पाया जाता है प्रो कैरियॉर्ड्स में यू नो वेरी वेल के हमारे पास ऐसे बैक्टीरिया भी एग्जिस्ट करते हैं आर कैपेबल ऑफ देयर ओन फूड फ्रॉम द सोलर एनर्जी राइट अगली बात मेरे स्टूडेंट्स ये है आफ्टर स्टडी दर टाइप्स अगली बात मेरे पास ये है कि ये जो मेरे पास क्लोरोफिल्स हैं ये किस जोन में से आपको याद होगा हमने लास्ट लेक्चर में डिफरेंट जो फोटोसिथेटिक पिगमेंट्स थे उनके हमने जोन डिस्क्राइब किए थे और हम लोगों ने ये भूला था कि जिस जोन में से ये वाला पिगमेंट लाइट एब्जॉर्ब करेगा जाहिर है उस पर्टिकुलर वेव की एबसेंस नजर आएगी हमें किस में एब्जॉर्बशन स्पेक्ट्रम में राइट तो अब मैं वही बात यहां पर दोबारा कर रहा हूं कि अगर ये मैंने लाइट ली राइट और ये लाइट कैसी थी पॉलीक्रोमेटिक और इसको मैंने एक ऐसी क्यूबेट में से पास किया कि जिसके अंदर क्या थे क्लोरोफिल्स थे राइट right? क्लोरोफिल्स थे क्लोरोफिल में से पास होने के बाद मुझे क्या नजर आया कि यहाँ पे दो जगहों से लाइट एबसेंट है आपको याद है बिल्कुल ऐसी बात है कि हमने विप ग्योर लिखा था विप ग्योर राइट right? तो ये इन दो जोन में से यानी कि ये वाला जो, जो जोन है मेरे पास इस जोन में इस जोन में आप लोगों को नो लाइट कोई लाइट नजर नहीं आई एब्जॉर्न स्पेक्ट्रम में बिकॉज इट हैज बीन बाय द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल और सिमिलरली ये जो मेरे पास जोन है ये वाला जोन ये थोड़ा सा ये वाला जोन लगा लें कि इस पर्टिकुलर जोन में भी आप लोगों को कोई लाइट नजर नहीं आएगी एब्जॉर्शन स्पेक्ट्रम में बिकॉज के ये वाली लाइट भी एब्जॉर्ब कर लिया किसने क्लोरोफिल अब अगर मैं आप लोगों से ये डिस्कस करूँगा सूरज क्लोरोफिल ए बी और सी डी एक ही प्लांट में भी जिस कर सकते हैं तो ये डिफरेंट नहीं है इनके केमिकल फार्मूला में बहुत थो थोड़ा थोड़ा फ़र्क है लेकिन ये इस पर्टिकुलर जोन में भी इस पर्टिकुलर जोन में भी हर एक क्लोरोफिल की लाइट एबजॉर्ब करने की जो सलाहियत है वो वेरी कर रही है कोई ज़्यादा इन ज़्यादा इंडिगो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है कोई ज़्यादा ब्लू लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है कोई रेड ऑब्जॉर्ब कर रहा है कोई ऑरेंज रेड एबजॉर्ब कर रहा है तो ये जो डाइवर्सिटी है डेफिनेटली इन पर्टिकुलर केमिकल्स के फॉर्मूला की वजह से आ रही है मिसाल के तौर पे हम लोगों ने यहाँ पे क्लोरोफिल ए का फार्मूला आप लोगों के लिए ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है लुक एट दिस इसमें कार्बन क्या है फिफ्टी फाइव हाइड्रोजन कितनी है सेवनटी फाइव ऑक्सीजन कितनी है फाइव नाइट्रोजन कितनी है फोर और मैगनीजियम कितनी है वन अब जरा आई नीड योर अटेंशन बात वॉटर सजिएगा डियर स्टूडेंट्स कि अगर सी फिफ्टी फाइव ही नाइट्रोजन फोर ही रहे और एम जी एक है एक ही रहे लेकिन इन दोनों के अंदर सिर्फ ओवरऑल डिफरेंस एक वाटर मॉलिक्यूल का हो वो कैसे कि यहां पर हो जाए एच सेवेंटी और ऑक्सीजन यहाँ पे एक बढ़ जाए वो हो जाए कितनी सिक्स तो ओवरऑल डिफरेंस कैसा हुआ यानी कि दो वाटर के दो हाइड्रोजन के एटम कम हुए और एक ऑक्सीजन का एटम बढ़ गया तो ओवरऑल डिफरेंस कितना पड़ा जस्ट वन वाटर मॉलिक्यूल का और इस वन वाटर मोलिकूल डिफरेंस की वजह से मेरे पास क्लोरोफिल की दो वराइटीज प्रोड्यूस हो गई और अगले हम करेंगे कि ये बेसिकली वरायटीज उनके आपस में आइसोमरिज्म की वजह से डेवलप हुई है वो कैसे डेवलप होती है हम उस, उसको हम उसको स्ट्रक्चर देखते हैं सो लेट्स मूव टू द पार्ट्स ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एंड फॉर दिस वी टू मूव द नेक्स्ट नेक्स्ट वन थर्ड ऑफ द दर्ड लुक एट दिस स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल क्चर ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल अब मैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को देखूं तो लाइक like फॉस्फोलिपिड्स इनके भी मेरे पास क्या बन जाते हैं दो एंड्स बन जाते हैं एक को हम बोलते हैं क्या हाइड्रोफिलिक एंड और एक को हम नाम देते हैं हाइड्रोफोबिक एंड आप लोगों को चैप्टर नंबर टू याद है हाइड्रोफिलिक फिलिया मीन्स लव यानी कि ये ऐसा एंड मॉलिक्यूल का जो पानी के अंदर रहना पसंद करता है या पानी से खुश होता है लेकिन ये वाला ऐसा एंड है जिसको पानी से खौफ है फोबिया hate, तो हाइड्रोफोबिया का मतलब ये है कि ये एवॉइड करता है वाटर को ठीक है और हाइड्रोफिलिया का मतलब क्या है कि लव वाटर मॉलिक्यूल्स ये तो पानी से लव करने वाला एंड होगा उसका अब जब मैं इसको दिखता हूं कि इसमें कौन सा एंड हाइड्रोफिलिक और कौन सा एंड हाइड्रोफोबिक है तो उसके लिए आप एग्जाम्पल की, की फ्लैग की और फ्लैग में आप देखें कि जो ऊपर वाला चौड़ा हिस्सा है झंडे का चले हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं आप लोगों की फिर आप लोगों के सपोर्ट के लिए यह समझ ली ये मेरे पास एक झंडा बन गया ना तो इस पर्टिकुलर झंडे में एक ऊपर वाला फ्लैट एंड है चौड़ा हिस्सा है और एक ये मेरे पास इसकी बांस है यह डंडा है जो कि बहुत थिन है और की तरफ डिसेंड कर रहा है तो ये जो नीचे वाला एंड है ये हाइड्रोफोबिक है इसको पानी से डर लगता है राइट right? और ये वाला जो इसका end है, का ऊपर वाला फ्लैट एंड एंड ये बेसिकली कैसा है हाइड्रो इट लव्स वाटर राइट और फिर जैसे ये जड्डे का ये वाला जो एंड ये चौड़ा है ऐसे ही क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल का ऊपर वाला एंड काफी ब्रॉड है एंड इट इज वेरी ब्यूटीफुली एडेप्टेड टू एब्जॉर्ब द लाइट अब कैसे एब्जॉर्ब कर सकते हैं जाहिर है मैं मैक्सिमम एब्जॉर्ब कैसे कर सकता हूँ बाई ब्रॉडनिंग द सर्फेसर को चौड़ा कर लूँ तो नेचर ने क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के ऊपर वाले सर्फेस को कि जो है उसे चौड़ा सा बना दिया खुला सा बना दिया और इसको बताने के लिए हमें जिस चीज़ की जरूरत है बिल्कुल सेंटर में उसका नाम क्या है मैग्नीजियम आए हम देखते हैं क्रोरफिल का जो हेड है नीज या फ्लैग जैसा पार्ट उसकी क्या स्ट्रक्चर है तो पहली बात स्टूडेंट्स ये है कि क्रोरोफिल का जो ऊपर वाला हेड है इस पूरे स्ट्रक्चर को जब हम ड्रॉ करने वाले हैं उसे हम नाम कह देते हैं पोर फायर रिंग पोर फायर रिंग ये वाला पार्ट है और इसके नीचे ये जो टेल लगी हुई है इसे हम नाम देते हैं क्या फाइटोल टेल राइट इन दोनों के मिलने से क्या बन गया क्रोरोफिल का मॉलिक्यूल आए हम लोग पहले पोर फाइर रिंग की बात करें इसको बताने के लिए आप लोगों को चाहिए स्टूडेंट्स बिल्कुल सेंटर के अंदर क्या एक मैग्नीजियम आयन का एटम चाहिए इट इज सिमिलर टू द आयरन इन हीमोग्लोबिन आपको याद होगा हीमोग्लोबिन के अंदर भी चार पॉलीपेप्टाइड्स थी तो इस वाले केस में भी मेरे पास चार क्या है पाइरोल रिंग्स हैं ये देखिए मैं ड्रॉ हूं आप लोगों के लिए वन टू थ्री एंड फोर ये चार एंड एक्सटेंशन है और इनके साथ जो पायरोल रिंग्स हैं वो हेट्रोसाइक्लिक है इसका मतलब यह है कि वो दो किस्म के एटम के मिलने से बने हुए हैं वन ऑफ देम इज नाइट्रोजन 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 एंड नाइट्रोजन राइट और जो बाकी पांच एंड्स हैं बाकी चार जो एंड सॉरी वो किसके बने हुए हैं कार्बन के तो जो आपको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जहां कॉर्नर्स पे कुछ भी देते हैं उसका मतलब यह कि वहां पे क्या होगी कार्बन होगी इसका मतलब है यहां भी कार्बन है यहाँ भी यहां भी और यहां भी ये यह चार जगह पे कार्बन हम ऐसा ही कार्बन 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 और इनका लिंक और यहां ड्रॉ कर लेते हैं और सेम इज द केस हियर वन टू थ्री एंड देन फोर ड्रॉ कर ले एंड सेम इज हियर तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया स्टूडेंट्स क्या चार पायरोल रिंग्स अभी जो मेरे पास चार पायरोल रिंग्स हैं ये आपस में जुड़े हुए किसके थ्रू थ्रू कार्बन ब्रिज यानी कि थ्रो, थ्रो अगर मैंने इसको इससे लिंक करना है तो यहां पे कार्बन है जुड़ा हुआ है ऐसे अगर मैं इसको इससे जोड़ना चाह रहा हूं तो यहां पे भी एक कार्बन इसके थ्रू जुड़ा हुआ है सिमिलरली ये भी कार्बन के थ्रू इससे लिंक है और ये भी कार्बन के थ्रू इससे लिंक राइट प्लस आपने ये देखना है कि इसमें से ये वाली जो कार्बन ये वाला जो दो एंड्स है जो नाइट्रोजन के ओपोजिट है यहां पे कोई ना कोई चीज जरूर अटैच है यहां 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 और यहां सिमिलरली यहां और यहां राइट यहां और यहां चीफली यहां पे क्या अटैच होता था? है स्टूडेंट्स मिथायल ग्रुप सी एच थ्री अगर तो ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो ये क्लोरोफिल ए है और अगर मैं यहां पे लगा दू एक एल यूनिवर्सल हाइड ग्रुप याद सी डबल बॉन्ड राइट समथिंग बी बन जाएगा सिर्फ मिथाइल ग्रुप लगा दू क्रोरफिल ए है same, right? यहां पे हमारे पास अटैच होता है वॉट सी टू एच फाइव यूनो वेरी वेल का ये मिथाइल ग्रुप है और ये इथाइल ग्रुप है राइट right? यहाँ पे स्टूडेंस अटैच होता है दोनों तरफ वाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहाँ पे अटैच होता right? राइट और, right? और यहाँ पे भी हमारे पास अटैच होता है वॉट सी एच थ्री और यहाँ पर भी सी एच थ्री ही अटैच होता अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड ना होता तो चूंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो बाकी बच जगह क्या सी एच टू तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपने ड्रॉ किया है इसके अंदर जो बाकी चीज़ आपने माइंड में मतलब रखनी है वो क्या है कि यहाँ पे कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है तो ये थोड़ी सी एफर्ट बाकी आप लोग करें कि यहाँ पे कहाँ कहाँ हमारे पास डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं बाकी बल्क ऑफ द स्ट्रक्चर आई हैव टॉट यू कि हम कैसे ड्रा कर सकते हैं सबसे पहले आप मैग्नीजियम लिखेंगे उसके साथ चार नाइट्रोजन आइटम जोड़ेंगे और इस नाइट्रोजन को बेस बना के आप चार पायलो रिंग्स ड्रा करेंगे और चार पायलो रिंग के साथ आपने क्या अटैच कर देनी है स्टूडेंट्स कार्बन ब्रिजेस और एंड पे आप लोगों ने क्या करना है कि इसके इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अटैच कर देनी है एक लंबी सी चेन एक लंबी सी चेन आपने अटैच कर देनी है और इस चेन का सबसे पॉइंट बात यह है कि आप लोगों को फॉर्मूल आना चाहिए और इसका नाम आना चाहिए आप लोगों की बुक के रेफरेंस से इसका नाम है स्टूडेंट्स फाइटोल चेन इसका नाम क्या है स्टूडेंट्स फाइटोल चेन और इस फाइटोल चेन के अंदर हमारे पास ट्वेंटी कार्बन होते हैं और थर्टी नाइन हाइड्रोजन एटम्स होते हैं और ये जो मेरे पास फाइटोल चेन है दिस वन ये वाली ये मैंने बोला था आप लोगों से कि ये हाइड्रोफोबिक होती है। और इसके हाइड्रोफोबिक होने में भी अल्लाह रबुलिज की आर्किटेक्चर नजर आ रही है वो क्या कि ये हाइड्रोफोबिक टेल बनाने का सबसे बड़ा लॉजिक दानाई ये है कि जिस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन में नीज मेम्ब्रेन की बात कर रहा हूँ वहां पे इसने एंकर होना है वो भी क्या है हाइड्रोफोबिक वो भी कैसी है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिको आपको पता है कि हाइड्रोफोबिक चीजें हाइड्रोफोबिक चीजों के साथ ज्यादा अच्छी होती हैं। तो नेचर ने थेलेकॉइड मेम्ब्रेन के हाइड्रोफोबिक पार्ट के साथ इस रोफिल मॉलिक्यूल की हाइड्रोफोबिक टेल को क्या कर दिया अटैच कर दिया और अब ये उसके अंदर बड़ी आसानी से क्या हो सकती है एंकर हो सकती है ये फोल्डेड स्ट्रक्चर वेल और इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में से हम इस पर्टिकुलर चीज को क्या बोलते हैं किस क्रोरोस टाइप प्रोड्यूस होती है और इनका सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि बींग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोरोफिल इन द सेम लीफ दिस पर्टिकुलर लीफ लीफ इज कैपेबल ऑफ एब्सॉर्बिंग वॉट वेरियस टाइप्स ऑफ वेवलेंस फ्राम द सोल रेडिएशन एंड कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसेंथस मोर एफिशेंटली राइट तो ये है हमाइक्रोफिल की स्ट्रक्चर और उसके डिफरेंट टाइप्स के होने की हिमत या लॉजिक अगली बात यह है कि हमारे पास स्टूडेंट्स आ, आ जाते हैं अदर फॉर्म्स ऑफ पिगमेंट्स ठीक है ना और अदर फॉर्म्स जो है ना उन्हें हम लोग नाम के दे सकते हैं असेसरी पिगमेंट्स और ये जो मेरे पास असेसरी पिगमेंट्स हैं जैसे हम डिस्कस पहले कर चुके हैं कि उनमें हमारे पास कैर होते हैं

जो दूसरा और इंपॉर्टेंट काम वो ये है स्टूडेंट इट इज़ बिलीव कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि मेरे पास सोलर रेडिएशन हमारी एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है उससे बहुत ज़्यादा हो और इसी तरह से ये भी हो सकता है कि वो हाई रेडिएशन मेरी प्लांट के लीव के लिए बड़ी हार्मफुल हो तो फिर क्या करना चाहिए कि हम उस पर्टिकुलर हार्मफुल किस्म की रेडिएशन को लें और उसे लेस हार्मफुल में कन्वर्ट करें और लेस हार्मफुल से हम उसे इवेंचुअली यूजफुल वेव में कन्वर्ट कर लें या यूजफुल एनर्जी पैकेट में शिफ्ट कर लें तो ये भी माना जाता है कि ये जो हमारे पास कैरोटिनॉइड्स uh, और कैरोटिन और के जैसे मॉलिक्यूल्स हैं दे आर एक्टिंग एज अ शील्ड वो शील्ड के तौर पे काम कर रहे हैं और जो एनर्जी है वो पहले नायर्जी मॉलिक्यूल्स के पास आती है और फिर वो एनर्जी इन हाई एनर्जी मॉलिक्यूल से लो एनर्जी मॉलिक्यूल की तरफ मूव करती है दैट इज़ बेसिकली क्लोरोफिल तो ये भी यह भी बिलीव किया जा रहा है कि ये बेसिकली एक्ट एज शील्ड एक्ट एज आ शील्ड एक डिफेंसिव के तौर पे काम कर रही है फॉर क्रोफिल्स के जो बहुत ज्यादा डेलिकेट मॉलिक्यूल्स हैं लेकिन दे कैन कैरी योर प्रोसेस ऑफ फोटोसेंथाज मोर एफिशिएंटली कैरोटीनॉइड्स एंड सेंथाथल सो दैट्स इट फॉर टूडे एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर फॉर द फॉर डेफिनेटली लाइट रिएक्शन एंड डार्क रेक्शन And again, as per my request, I always request you all time and again that please take very good care of your great parents, and always listen lecture with open eyes, open brain, and this stuff, so that you may have the better picture of the mechanisms of life. Till next lecture, take very good care of yourself. Allah Hafiz.